सबके सहायक श्री हनुमान। दुष्ट दलन है शंकर सोन श्री हनुमान। भक्त है सच्चे के राम के सेवक श्री हनुमान। श्री जिंदा रहेगी तो देवयानी मुझे नहीं जीने देगी, मुझे जीने नहीं देगी वो। लंकेश, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो आप इस बच्ची से तुम क्या कह रहे थे? वो वो मैं इस बच्ची से तुमने कुछ कहा है? मैंने कहा है इस बच्ची से? मैंने क्या कहा? देवयानी मुझे जिंदा नहीं रहने देगी। वो इस बच्ची का हमसे क्या लेना देना है बताओ तो जरा। वो क्या नहीं, अगर तुम सच नहीं बोलोगे ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। बोलो। ये बच्ची महालक्ष्मी और श्री राम की बेटी है। क्या कह रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ देवयानी। मैंने ये लड़की तुम्हें मारने के लिए दी थी ना? मैं इसे मारने ही वाला था पर वो उस दिन ये पाप मैं क्यों करूं? तुम ही कर दो नागराज। यही हुआ था देवयानी। मूर्ख कहीं के, मैंने इस बच्ची को तुम्हें मारने के लिए दिया था ना? उसके बाद भी कई बार मारने की कोशिश की इसे, लेकिन हर बार एक बंदर आकर इसे बचा लेता था। इस बार भी ये हॉस्पिटल में मेरी ही वजह से है। मतलब कल जब तुम इस बच्ची को मारने गए तो इसे किसी बंदर ने बचा लिया? हाँ।
क्या करूं? तुम सिर्फ दारू पीने और सोने के लायक हो। तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। मेरी बात सुनो देवयानी, मैं अब भी इसे मारने का ही प्लान बना रहा हूँ। देवयानी, तुम दोनों यहीं पर हो? मुझे तो लगा कि शायद चले गए। जाने ही वाली थी लक्ष्मी, सोचा एक बार बच्ची को देख लूं इसलिए आ गई। हाँ हाँ वही। अंजी चुप रहो, ये लोग हमारी अंजी को देखने आए हैं। तुम इससे डरो मत बेटा। स्वामी, उस बच्ची के सर पर अचानक से चोट लग गई है, वरना अब तक हम उसे यहां लेकर आ चुके होते। मुझे पता है उस बच्ची को इस स्थान पर लाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस बच्ची का जन्म एक मकसद के लिए हुआ है और हमारे कार्य की सिद्धि के लिए हमारी शुद्र शक्ति के आह्वान को उस बच्ची की दिव्य शक्ति रुकावट बनकर रोक रही है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए स्वामी? कोई बात नहीं, हमारा एक तरीका काम नहीं आया तो हमारे दूसरे तरीके से उस बच्ची को यहां लाना होगा, और इसीलिए तो मैं निरंतर ये शुद्र पूजा कर रहा हूं। देखो, तीन दिन के पश्चात माघ पूर्णिमा है, दुष्ट पूजा करने के लिए महत्वपूर्ण घड़ी है। अगर उस समय उस बच्ची को लेकर आ गए तुम लोग तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। माघ पूर्णिमा? हाँ, देर करोगे तो सपनों पर पानी फिर जाएगा। इस कार्य को बिना किसी रुकावट के पूर्ण करने का प्रयत्न करो। चले जाओ और उस बच्ची को शीघ्र ले आओ। चले जाओ। ठीक है स्वामी। ठीक है स्वामी।
चलते हैं। अरे ओ शिष्य, गुरुजी, हमें पूर्ण महिमा मंडित करने वाली शक्तियां अति शीघ्र हमें मिलने वाली है। हाँ गुरुजी, माघ पूर्णिमा के दिन उस बच्ची के हाथों महाशूद्र पूजा करवाऊंगा तो सारी दिव्य शक्तियां मेरे वश में आ जाएंगी। उसके पश्चात मुझे नित्य नई जवानी मिल जाएगी। इस शतरंज के खेल में ये दोनों आदमी मेरे हाथों के पासे हैं। हमारी चाल हमने चल दी है। बस अब हमारी जीत बस अब केवल हमारी जीत होनी बाकी है। बिल्कुल गुरुजी। ओम पट स्वाहा। रुक जाओ, आंखें होने पर भी अंधे हो क्या? अंधेरे में किसको ढूंढ रहे हो? तुम्हारा रास्ता कांटों से भरा है। सही रास्ते से भटक जाना हानिकारक है। ए, ये क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो? पागलपन, धन पाने के लिए पागलपन, पैसों के लालच में भगवान से द्रोह करने का पाप अपने सर ले रहे हो। दुष्ट शक्ति से हाथ मिलाकर देव शक्ति का साथ छोड़ रहे हो। अपनी जान के लिए खतरा ले रहे हो, खतरा ले रहे हो, खतरा ले रहे हो। जरा संभल कर रहना, संभल कर रहना तुम लोग, संभल कर रहना तुम लोग, संभल कर रहना। संभल कर रहना। जय श्री हनुमान, 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 जय श्री हनुमान। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए पंडित जी, बच्ची को कुछ नहीं होगा। अपनी बच्ची के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप सही समय पर आई और अंजना को जीवन दान दिया। आप ऐसा मत कहिए, उसकी जगह अगर मेरी बेटी होती तो उसकी भी मैं ऐसे ही देखभाल करती। ये भी तुम सही कह रही हो बेटी। महालक्ष्मी, जब तुम्हें पता चलेगा ये तुम्हारी बच्ची है तब तुम्हें झटका लगेगा। दूसरा झटका तब लगेगा जब पता चलेगा कि मैं इसे मारना चाहती हूँ और तुम मुझसे ही पैसे मंगवा रही हो।
नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। ये क्या कर रहे हो अंजीत, चुप रहो। ये लीजिए 50,000, बच्ची का ऑपरेशन तुरंत करवाइए। नहीं बेटा, क्यों? भगवान की कृपा से महालक्ष्मी जी यहाँ आ गई और अंजनी के प्राण बचा लिए। बेटी, मैंने कहा था ना कि बच्ची की सहायता के लिए दो लोग आए थे, ये दोनों वही हैं। नमस्ते। नमस्ते। बच्ची के ठीक होने तक कोई ना कोई काम तो पड़ ही सकता है, इसे रख लीजिए। अरे नहीं, सब कुछ मैं देख लूंगी। देखिए, हमारी धार्मिक संस्था ऐसे ही अनाथ बच्चों के अंजना लिए। अंजना अनाथ है, ये किसने कहा? अंजना के लिए मैं हूँ, उसके सहारे के लिए पंडित जी हैं। उस बच्ची को दोबारा अनाथ कहके मत बुलाइएगा, मुझे बहुत दुख होगा। अच्छा पुजारी जी, ऑपरेशन सक्सेसफुल। बच्ची को अब कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हे हनुमान जी, आपने आज मेरी बच्ची के प्राण बचा लिए, वो ठीक हो गई। लक्ष्मी जी के रूप में आकर तुमने अंजना के प्राण बचा लिए। जय श्री राम, जय राम भक्त हनुमान।